देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटपटी आलू शिमला मिर्च की ढाबा स्टाइल सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। ये है 4 से 5 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, इनको फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये है 5 शिमला मिर्च, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। अब इनको फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी हैं। ये हैं 3 से 4 आलू, मैंने वॉश करके कट कर लिया है, अब इनको फ्राई करेंगे। हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 चम्मच बेसन रोस्ट कर लिया है, इसको बाउल में ट्रांसफर करेंगे। ये है 2 बड़े साइज के प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। कढ़ाई में डालेंगे तेल, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी का टुकड़ा, हींग जीरा। डालेंगे नमक, इसको ब्राउन होने तक सेकेंगे, डार्क ब्राउन। हमारी प्याज सीख गई है, अब डालेंगे टमाटर का सॉस। इसे ऑयल छूटने तक पकाएंगे। टमाटर में से ऑयल निकलने लगा है। ये हैं मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। ये भुना बेसन, अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे सिम पर। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल के बबल्स बनने लगे हैं। अब हमारी सब्जी डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखी है। Thank you.
अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे। एक चम्मच शक्कर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हम अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी कर सकते हैं, हमें जैसी पसंद है उतना पानी डाल सकते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटपटी आलू शिमला मिर्च की ढाबा स्टाइल सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।